दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका नर्सिंग किट यूट्यूब चैनल पे। और दोस्तों आज के इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का पॉइंट क्रिटिकल केयर यूनिट। देखिए अपन शुरुआत करते हैं क्रिटिकल केयर नर्सिंग की डेफिनेशन से। क्रिटिकल केयर नर्सिंग की डेफिनेशन यहाँ पे दे रखी है, क्रिटिकल केयर यूनिट इज ए स्पेशलाइज डिपार्टमेंट और एरिया इन द हॉस्पिटल इन विच वी प्रोवाइड क्रिटिकल केयर टू द पेशेंट इन क्रिटिकल कंडीशन। इसका मतलब है कि क्रिटिकल केयर यूनिट है वो हॉस्पिटल का एक ऐसा एरिया होता है, हॉस्पिटल का ऐसा डिपार्टमेंट होता है जिसमें अपन पेशेंट को केयर देते हैं क्रिटिकल कंडीशन के अंदर। मतलब कोई पेशेंट है वो इमरजेंसी की कंडीशन में है, वहाँ पे अपन उसको केयर दे रहे हैं एक अलग से हॉस्पिटल के अंदर यूनिट बना करके, दोस्तों उसको बोलेंगे क्रिटिकल केयर यूनिट। नेक्स्ट है, इसके अंदर क्या होता है, क्रिटिकल केयर नर्सिंग के अंदर क्या होता है, तीन लेवल होते हैं। अब अपन अलग अलग लेवल को डिस्कस करते हैं। देखिए पहला जो लेवल है लेवल फर्स्ट, पहली यूनिट है इसका नाम है लेवल फर्स्ट। इसके अंदर है द यूनिट फॉर द कॉम्प्लिकेटेड क्रिटिकल पेशेंट आर रिक्वायर कंटिन्यूस अवेलेबिलिटी ऑफ द सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट। इसके अंदर दे रखा है जो लेवल फर्स्ट होता है, इसके अंदर क्या होता है, जो क्रिटिकल पेशेंट है वो रिक्वायर करता है, उसको मांग रहती है कि जितने भी मतलब सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट होते हैं जो कि क्रिटिकल कंडीशन के अंदर केयर प्रोवाइड करवाने के काम आते हैं, वो सारे वहाँ पे अवेलेबल होने चाहिए और उनके साथ साथ एक स्पेशलाइज्ड नर्स और एक फिजिशियन वहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए लेवल फर्स्ट यूनिट के अंदर। नेक्स्ट इसके अंदर क्या होता है, लेवल फर्स्ट यूनिट के अंदर तीन चीज़ें आपको याद रखनी है। एक तो मल्टी सिस्टम सपोर्ट होना चाहिए, मैकेनिकल वेंटिलेटर होना चाहिए और इनवेजिव कार्डियो वेस्कुलर मॉनिटर होना चाहिए। ये तीनों चीज़ अगर अवेलेबल हैं तो लेवल फर्स्ट के अंदर अपन उस चीज़ को, उस यूनिट को अपन इंक्लूड कर देंगे। नेक्स्ट अब देखिए कुछ ऐसे पॉइंट है जो कि लेवल फर्स्ट के अंदर अपन ध्यान रखने हो गए, उनसे अपन आइडिया लगा सकते हैं कि ये जो यूनिट है क्रिटिकल केयर नर्सिंग की, क्रिटिकल केयर यूनिट है कौन से टाइप की है। देखिए सबसे पहली चीज तो ये जो यूनिट होती है ये कहां होती है, जो स्मॉल डिस्ट्रिक्ट छोटे हॉस्पिटल होते हैं, छोटे प्राइवेट नर्सिंग होम होते हैं जो कि गांव के अंदर होते हैं, वहां पे ये यूनिट प्रेजेंट होती है। इसके अंदर कितने बेड होते हैं, 6 से 8 बेड होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है यहां पे क्या होता है, प्रोवाइडिंग रीससिटेशन, मतलब कि जो शॉर्ट टर्म छोटे टाइम के लिए अपन वहां पे CPR वगैरह दे सकते हैं। फोर्थ नंबर के पॉइंट में क्या दे रखा दोस्तों, एबल टू वेंटिलेट द पेशेंट फॉर एटलीस्ट, मतलब जो पेशेंट है अपन उसको वेंटिलेट कर सकें मिनिमम 24 से 48 घंटों के लिए, वो सुविधा वहाँ पे होनी चाहिए। नेक्स्ट नॉन इन्वेजिव मॉनिटरिंग सच एज वाइटल साइंस, मतलब वाइटल साइंस वगैरह ECG वगैरह लेने की सुविधा भी वहाँ पे प्रेजेंट होनी चाहिए। नेक्स्ट है इसके अलावा क्या दे रखा है, 6 नंबर के पॉइंट में वहाँ पे क्या होना चाहिए, ऐसा मीडियम होना चाहिए ताकि पेशेंट अगर इमरजेंसी कंडीशन से बाहर हो जाए तो अपन उसको सेकेंडरी या टर्सरी हॉस्पिटल वगैरह के अंदर लेके जा सके। नेक्स्ट 7 नंबर के पॉइंट में द स्टाफ शुड बी इंकरेज टू डू सोल ट्रेनिंग कोर्स, और इसके अलावा पेशेंट को क्या होना चाहिए, ट्रेनिंग कोर्स वहाँ पे स्टार्ट रखना चाहिए ताकि जो भी केयर अपन पेशेंट को दे रहे हैं वो उसको इंकरेज कर सके, वो उसको बढ़ावा दे सके। लास्ट पॉइंट है वहाँ पे लेवल फर्स्ट वाले यूनिट के अंदर ब्लड बैंक, क्लिनिकल लैब और रेडियोलॉजिकल डिपार्टमेंट भी वहाँ प्रेजेंट होना चाहिए। देखिए ये 8 पॉइंट डिस्कस किए, इन 8 पॉइंट डिस्कस करने के बाद अपने को पता चल जाएगा लेवल फर्स्ट यूनिट कैसी होती है। वापस से एक बार रिवीजन करवा देते हैं कि देखिए छोटे जो प्राइवेट नर्सिंग होम है वहाँ होती है 6 से 8 बेड होते हैं, इसके अलावा CPR की सुविधा होनी चाहिए, जो वाइटल साइन है ECG इन सब की सुविधा होनी चाहिए, इसके अलावा क्या होता है जो स्टाफ है उसको इंक्रेज करना चाहिए और ब्लड बैंक और क्लिनिकल लैब और रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट भी वहाँ होना चाहिए। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं लेवल सेकेंड यूनिट की। देखिए द यूनिट हैव लिमिटेड, इस यूनिट के अंदर क्या होता है, लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। नेक्स्ट इसके अलावा ये जो कि इसके अंदर जो केयर प्रोवाइड करवाते हैं वो हाई क्वालिटी केयर प्रोवाइड करवाते हैं। तो देखिए लेवल फर्स्ट था थोड़ा छोटा था, लेवल सेकंड इससे जस्ट ऊपर आ गया है। तो देखिए इसके अंदर जो चीज़ें थी, जो इक्विपमेंट थे उनसे कुछ अच्छा इसके अंदर आएगा। देखिए लेवल सेकंड वाले यूनिट के अंदर क्या होगा, जो नर्स और पेशेंट का जो रेशियो होगा, जो अनुपात होगा, वो जहाँ पे एक नर्स होंगी और 2 पेशेंट होंगे, ये 2 पेशेंटों के ऊपर एक नर्स वहाँ पे अलाउ होगी। इसके अलावा एक जूनियर मेडिकल स्टाफ भी ऑल टाइम अवेलेबल होगा इस यूनिट के अंदर। नेक्स्ट इस यूनिट के अंदर क्या होगा, 6 से 12 बेडों की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा ये जो लार्जर जनरल हॉस्पिटल होते हैं उनके अंदर रिकमेंड होती है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके अंदर मल्टी सिस्टम सपोर्ट अवेलेबल होगा, मैकेनिकल वेंटिलेटर, इन्वेजिव मॉनिटरिंग, ये सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी। इसके अलावा ABG और इलेक्ट्रोलाइट रूटीन जिनसे चेकअप होता है वो सब भी वहाँ पे अवेलेबल होगा। नेक्स्ट डायग्नोसिस की सुविधा 24 घंटे के लिए अवेलेबल होगी, जो नर्स हैं और जो डॉक्टर हैं वो ऑलरेडी क्रिटिकल केयर के अंदर ट्रेंड होंगे, जो वहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं। इसके अलावा जो भी पॉलिसीज ICU की, जो प्रोटोकॉल्स हैं, उन सबको लेवल सेकेंड वाले यूनिट के अंदर मेंटेन किया जाएगा। नेक्स्ट रिसर्च विल बी हाई रिकमेंडेड, ये सारे जो मैंने आपको फीचर बताए ये सारे लेवल सेकंड वाली यूनिट के अंदर अवेलेबल होंगे। नेक्स्ट लेवल सेकंड के अंदर ब्लड बैंक की व्यवस्था भी वहां पे होगी, चाहे वो इनसाइड हो या फिर आउटसाइड हो।
अब बात करते हैं नेक्स्ट और लास्ट यूनिट लेवल थर्ड यूनिट। अब देखिए लेवल फर्स्ट था थोड़ा छोटा था, लेवल सेकंड उससे ऊपर था, लेवल थर्ड है वो सबसे ऊपर आएगा, मतलब प्रो लेवल का आएगा। इसमें जितनी फैसिलिटीज होंगी वो बिल्कुल प्रो लेवल की होंगी, बिल्कुल टॉप से टॉप लेवल की होंगी। देखिए लेवल थर्ड यूनिट में दे रखा है कि जितने भी इंटेंसिव केयर यूनिट के जो भी आस्पेक्ट होते हैं, जैसे हीमोडायनामिक केयर है, डायलिसिस है, वो सारे इक्विपमेंट, वो सारी प्रोसीजर वहाँ पर अप्लाई हो सकते हैं। इसके अलावा नर्स और पेशेंट का जो अनुपात है वो कितना होगा, एक पेशेंट होगा और एक नर्स वहाँ पे प्रेजेंट होगी। इसके अलावा मल्टी सिस्टम सपोर्ट के लिए जो भी टीम होगी वो सारी टीम वहाँ पे अवेलेबल होगी। नेक्स्ट बात करते हैं जो ये जो लेवल थर्ड वाली यूनिट है वो कहाँ रिकमेंड होती है, ये टर्सरी लेवल, इस जो मतलब सेकंड थी वो जनरल हॉस्पिटल के अंदर, ये उससे भी ऊपर टर्सरी लेवल हॉस्पिटल होते हैं वहाँ रिकमेंड होती है। इसके अलावा इसके अंदर बेड की स्ट्रेंथ कितनी होती है, टोटल बेड कितने होते हैं, 10 से 16 बेड होते हैं। लेवल फर्स्ट के अंदर आपने देखा 6 से 8 बेड और लेवल सेकेंड के अंदर 6 से 10 बेड और इसमें 10 से 16 बेड होते हैं। इसके अलावा लेवल थर्ड यूनिट के अंदर मल्टीपल ICU की व्यवस्था भी होगी। नेक्स्ट बात करते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिट कंट्रोल बाय इंटेंसिविस्ट, मतलब कि जो अलग अलग यूनिट वहाँ पे दे रखे हैं उनको कौन कंट्रोल करेगा, जो ICU के ऊपर है इंटेंसिव केयर यूनिट का जो मैनेजर है वो उस चीज़ को कंट्रोल करेगा। नेक्स्ट प्रोटोकॉल एंड पॉलिसी आल मेंटेन, जो ICU के प्रोटोकॉल्स होते हैं, जो पॉलिसीज होती हैं, उनको वहाँ पे दोस्तों मेंटेन किया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं All have recent method of monitoring invasive और non-invasive। देखिए जो invasive और non-invasive monitoring के जो method है वो सब वहाँ पे apply होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं लॉन्ग टर्म एक्यूट केयर ऑफ हाईएस्ट स्टैंडर्ड, मतलब कि हॉस्पिटल के अंदर या हॉस्पिटल से बाहर ले जाने और लाने की सुविधा वहाँ पे प्रेजेंट होगी। इसके अलावा रेफरल, मतलब कोई भी हॉस्पिटल से वहाँ पे रेफरल 24 घंटे के लिए अवेलेबल होगा। नेक्स्ट बात करते हैं बेड साइड एक्सरे की व्यवस्था, USG 2D को CT स्कैन MRI, ये सारी फैसिलिटीज़ लेवल थर्ड के अंदर प्रेजेंट होंगी। नेक्स्ट बात करते हैं ब्रोंकियोस्कोपी, डायलिसिस, इसके अलावा अगर अदर फॉर्म में कोई भी ट्रीटमेंट है वो भी वहाँ पे अवेलेबल होगा, पेशेंट को अपन प्रोवाइड करवा सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एडिक्युएटली सपोर्टेड बाय द ब्लड बैंक एंड ब्लड कंपोनेंट। अब देखिए जो ब्लड बैंक है और जो ब्लड कंपोनेंट है वो भी वहाँ पे फुल्ली सपोर्टेड होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोटोकॉल्स एंड स्टैंडर्ड शुड बी मेंटेन, पेशेंट एरिया शुड नॉट बी लेस देन 100 स्क्वायर फीट इन एडिशन स्पेस। यहाँ पे दे रखा है मिनिमम पेशेंट के आसपास कितना एरिया होना चाहिए, 100 स्क्वायर फीट का एरिया होना चाहिए। और जो प्रोटोकॉल्स है, जो स्टैंडर्ड है पेशेंट के एरिया के अंदर, वो सारे वहाँ पे अप्लीकेबल होंगे, वो सारे वहाँ पे लागू होंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्रिटिकल केयर जो यूनिट थी उसको अपन ने कम्प्लीट डिस्कस किया है। क्रिटिकल केयर यूनिट की पहले डेफिनेशन बता दी कि हॉस्पिटल के अंदर एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पे क्रिटिकल कंडीशन में जो पेशेंट होता है उसकी क्रिटिकल केयर प्रोवाइड की जाती है। और देखिए इसके 3 लेवल होते हैं, तीनों लेवल को अपन ने कैसे डिवाइड किया गया है, तीनों लेवल को स्टाफ के अकॉर्डिंग और बेड के अकॉर्डिंग और इसके अलावा जो क्लिनिकल प्रोसीजर और जो इक्विपमेंट होते हैं इसके हिसाब से डिवाइड किया गया है। तो लेवल फर्स्ट को आपने देखा कि इसमें बेड की व्यवस्था भी कम है, स्टाफ की व्यवस्था भी कम है, इक्विपमेंट की भी कम है। नेक्स्ट बात करते हैं लेवल सेकेंड को आपने देखा बेड की संख्या थोड़ी बढ़ गई है, नर्स पेशेंट रेशियो भी 1:2 रखा गया है। इसके अलावा नेक्स्ट और लास्ट यूनिट है जो लेवल थर्ड, मैंने बताया ना बिल्कुल टॉप लेवल पर, एक पेशेंट एक नर्स रहेगी। इसके अलावा जो भी मतलब प्रोसीजर्स हैं वो सारे वहाँ पे अवेलेबल होंगे, चाहे वो हीमोडायनामिक केयर हो, डायलिसिस हो, इसके अलावा मॉनिटरिंग हो, वेंटिलेटर हो, हर एक फैसिलिटीज यहाँ पे प्रेजेंट होगी। यहाँ पे आपको CT स्कैन 2D के हर एक फैसिलिटी अवेलेबल होगी। तो देखिए दोस्तों क्रिटिकल केयर यूनिट है जो ये जो टॉपिक अपन ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। अब इसके अलावा मेडिकल सर्जिकल का जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं आपसे उस वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।